अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स. आज हम समझने जा रहे हैं चैप्टर रहमानी सिफ की बुक वर्किंग, यानी किताब का काम, के बुक में जो है वो क्या क्या वर्किंग मौजूद है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले तो ये हैं सारे सवाल जवाब. ठीक है, सबसे पहले हम बुक वर्किंग को की जो है वो एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे. ठीक है, सवाल नंबर 8 पढ़ रही हूँ मैं, पीछे के जो सारे सवाल नंबर 7 हैं ये कॉपी में सवाल जवाब होंगे. ठीक है, सवाल नंबर 8 है, दर्द जेल में जो काम रहम दिली में आते हैं उनके सामने दर्द का निशान लगाइए, यानी जो काम रहम दिली में आते हैं कि ये रहम दिली की खूबी है. ठीक है, उन पर हमने दर्द यानी टिक का निशान लगाना है. नंबर 1, दानिश ने सड़क पर एक बिल्ली के बच्चे को देखा जिसका पाँव जख्मी था. दानिश ने उसे खींच कर एक पत्थर मारा. ठीक है, दानिश ने सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा देखा जिसका पाँव जख्मी था, दानिश ने उसे खींचकर पत्थर मार दिया, तो ये तो रहमदिली ना हुई, तो इस पर क्रॉस यानी कि गलत का निशान. नंबर 2, साजिद ने कल अपने मुलाजिम के बीमार बच्चे को अपनी कार में बिठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गया. इसका मतलब सही, उसने रहम किया किस पर, मुलाजिम के बीमार बच्चे पर. नंबर 3, स्कूल जाते हुए आज फिर एहसान ने दरख्त पर चढ़कर चिड़िया के अंडे तोड़ दिए. स्कूल जाते हुए एहसान ने क्या किया, दरख्त पर चढ़ा और चिड़िया के अंडे तोड़ दिए, यानी इसने गलत काम किया, तो क्रॉस रहमदिली नहीं थी. नंबर 4, आमना ने अपनी सहेली की व्हील चेयर पकड़ी और उसे सड़क पार करा दी. ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, व्हील चेयर के थ्रू जो है वो सड़क क्रॉस करवा दी, तो इसका मतलब रहमदिली है, टिक का निशान. सुहेल और ताहिर रोज़ाना बीमार फ़कीर का कशकोल गिराकर भाग जाते हैं. कशकोल लाइक मटका वगैरह. ठीक है, तो सुहेल और ताहिर क्या करते हैं, रोज़ाना बीमार फ़कीर जो है उसका कशकोल गिराकर भाग जाते हैं, तो ये तो गलत काम है, तो इस पे क्या आएगा, क्रॉस. ठीक है, नाउ पेज नंबर 81, सवाल नंबर 2, दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर करें. ठीक है, हमें 3 ऑप्शंस दिए गए, हमने कोई एक सूटेबल ऑप्शन को चूज़ करना है और उसे फिल कर देना है. नंबर 1, डैश ईमान की बहुत बड़ी खूबी और एहसान की आला तरीन किस्म है, जुल्म करना, रहम करना या खौफ खाना, रहम करना. नंबर 2, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश से यतीम बच्चे का हक दिलवाया, किससे दिलवाया था, हमने चैप्टर पढ़ा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बच्चे को किसके पास लेके गए थे, अबू लहब, अबू तालिब या अबू जहल, अबू जहल. ठीक है, नंबर 3, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए मौसम का फल सबसे पहले सबसे डैश बच्चे को इनायत फरमाते थे, कम उम्र बच्चे, नौजवान आदमी या फिर मैमर शख्स. ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई सीजनल फ्रूट आता तो सबसे कम उम्र बच्चे को दिया करते थे. ठीक है, नंबर 4, एक मरतबा गरीब औरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के डैश आई. एक मरतबा एक गरीब औरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के डैश आई. हज़रत कौला रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर टिक होगा. अच्छा, ये जो टिक हुए हैं स्टूडेंट्स, आप इनको ब्लैंक्स में भी फिल करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सवाल नंबर 10, जुमले मुकम्मल कीजिए. नंबर 1, हिरनी ने वादा किया कि अगर, हिरनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वादा किया था, कि अगर उसे आज़ाद कर दिया जाए तो वो उसे बच्चों, तो वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी. ठीक है, नंबर 2, दिल की वो कैफियत, जो कौन सी कैफियत, जो इंसान को दूसरों के लिए भलाई पर उभारे, रहम दिली कहलाती है. 3, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता. नंबर 4, अल्लाह ताला जिसे औलाद की मोहब्बत दे और उसके दिल से रहम छीन ले तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये किसका इरशाद है, किसने फरमाया था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. नंबर 5, बच्चों को कत्ल ना करो, हर जान फितरत इस्लाम पर पैदा होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तमाम जो है वो ये आपकी बुक वर्किंग है. ठीक है, आपने बड़ी सफाई से जो है वो इस बुक वर्किंग को करना है. ठीक है, अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर की जानेब आ जाते हैं, कि क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. ठीक है, दिसंबर, सबक नंबर आप जो है वो डालेंगे 8. ठीक है, रहमानी सिफ्त, सवाल जवाब की वर्किंग की जानेब आ जाते हैं. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी की क्या ज़रूरत पूरी की, हिरनी को क्या ज़रूरत थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी को आज़ाद कर दिया ताकि वो अपने नौ मौलूद बच्चों को दूध पिला सके. सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली की कैफियत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, फरमाने बारी ताला है,
लोगों में तुम्हारे पास एक रसूल आया है जो तुम ही में से है, जिसे तुम्हारी हर तकलीफ़ बहुत गिरा मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है, जो मोमिनों के लिए इंतहाई शफीक नहायत मेहरबान है। ठीक है, सवाल नंबर 3, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की किस तरह दाद रसी फरमाते थे। दाद रसी मतलब किस तरह से जो है वो उन पर शफ़क़त फरमाया करते थे, किस तरह से उनका ख्याल किया करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के सरपरस्त थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे, ख़ुद भी उनकी मदद करते, प्यार करते और दूसरों को भी इसकी ताकीद फरमाते थे। ठीक है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्यारे नबी ने देहाती के अपने बच्चों को प्यार ना करने पर क्या इरशाद फरमाया। यानी उस देहाती ने क्या कहा था, हमने चैप्टर पढ़ा था कि या रसूलल्लाह आप अपने बच्चों को प्यार करें, मेरे 10 बच्चे मैंने उन्हें आज तक प्यार नहीं किया। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को क्या कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। सवाल नंबर 5, प्यारे नबी ने मुशरिकीन के बच्चों के साथ कैसा सलूक करने की ताकीद की। मुशरिकीन जिन्होंने इस्लाम ना कबूल किया, एक मरतबा गज़वे में कुछ बच्चे लड़ने वालों की झपट में आकर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। एक सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह वो तो मुशरिकीन के बच्चे थे। आपने फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं, खबरदार बच्चों को कत्ल ना करो, हर जान फितरत इस्लाम पर पैदा होती है। सवाल नंबर 6, जानवरों के साथ प्यारे नबी की रहमदिली का कोई एक वाक्या लिखना है। कोई एक वाक्या हमने पढ़ा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुर्ख परिंदा था उस पर किस तरह से रहम किया था। तो एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते हुए जंगल में तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक सहाबी ने एक सुर्ख परिंदे को के बच्चों को उठा लिया। उन बच्चों की माँ प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुई और पर हिला हिला कर कुछ कहने लगी। आपने फरमाया, किसने परिंदे के बच्चों को इससे जुदा करके तकलीफ़ दी है, इसके बच्चों को लौटा दो। ठीक है, तो ये जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली का वाक़या है कि उन्होंने किस तरह उस परिंदे के बच्चों को उसे वापस करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।